गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। देखिए, आज स्क्रीन पर थोड़ा सा चमक रहा होगा ऊपर साइड में, उसको माइंड ना करिएगा, उसमें मत दिमाग लगाइएगा। जो चमक रहा है, ऊपर चमक रहा है, वहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो चीज़ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, और जहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित। अगर आपके पास सरकारी स्कूल की प्राइमरी विद्यालय की कक्षा 7 की गणित है, तो आप उसे ले लें और फट से उसमें से रेडी हो जाए जीरो लेवल की क्लास के लिए। परिमेय संख्याओं पर आधारित सवाल होंगे। परिमेय संख्या आप जानते हैं, रेशनल नंबर। बहुत से लोगों को भारी विपत्ति होती है इन संख्याओं में, तो इन पे आधारित हम सवाल देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी कक्षा 7 की बुक में ऐसे सवाल दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर बताइए, हर और अंश, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 7/ इसमें 15, तो ये ऊपर जो होता है इसे अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर होता है, हिंदी में इसे नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं। ये आपके सवाल हैं, इनमें सब में आपको क्या बताना है, हर बताना है। तो इसमें हर क्या होगा, हर बराबर ये जो नीचे होता है ना 18, इसमें हर क्या होगा 17, इसमें हर क्या होगा -21। देखिए, जो चिन्ह लगे हैं वो चिन्ह के साथ होंगे। इस तरह से आपने देखा, इन सवालों में सब में हर आपने देख लिया। 8/-21 में हर क्या है -21, 11/17 में हर क्या है 17, -5/18 में हर क्या है 18। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगला टाइप का सवाल देखिएगा, ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको और भी सवाल दिखेंगे। इसी क्रम में आप लोग आगे सवाल देखिए, दूसरा नंबर। ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। आपने शुरू शुरू के क्लास में देख लिया पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य सब कुछ देख लिया। अगर आपको नहीं मिला तो कमेंट करिए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी क्लास मिलेंगी। लगभग 40 क्लास हो चुकी है जीरो लेवल की आज तक, ध्यान दीजिएगा। आगे चले, देखिए परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखना है, ये जहां तक भी हल हो सकती है इनको हल करेंगे। तो 4 दूना क्या होगा 8, ये माइनस में था ना, तो ये क्या हो जाएगा -2, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। पहला क्या आएगा -2। दूसरा देखिए, -11/1 है, 1 से भाग देंगे तो -11 आएगा, ये उत्तर हो गया। ये 23 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 49 में 1 से भाग देंगे -49, है ना, इसको काट देंगे तो 3 × 6 = 18, -6 आएगा, यानी कुल मिला के -6 इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 4 × 6 = 24 इक्वल कितना आया -6, ये सभी पूर्णांक के रूप में हो गए। समझ रहे हैं ना, पूर्णांकों के रूप में करना है, मतलब कि उसको हल कर देना है अंतिम स्थिति तक, जहां तक वो हल हो सके। अगला सवाल हम देखेंगे इसी क्रम में, कुछ थोड़ा सा हटके, ध्यान दीजिएगा। ओके, सही दिख रहा है ना सब कुछ? और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वो बिल्कुल मौका ना गंवाएं और क्लास को तुरंत लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, देर ना करें सभी लोग। अगला सवाल देखिएगा, इसी क्रम में आपके सामने आ चुका है, परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अब आप लोग हर और अंश जानते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, +5/11, ये है 5/-11। अब हमें हर को धनात्मक बनाना है, हर जानते हैं ये -11 है। अब ऐसे तो कोई मंत्र नहीं है कि जो पढ़ लेंगे धनात्मक हो जाएगा, तरीका लगाएंगे, और वो कौन सा तरीका लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, इसको माइनस को हटाने के लिए हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। याद रहे, जो भी प्रक्रिया करेंगे अंश दोनों में करेंगे, फिर अंश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे नहीं मतलब है, हर हमारा धनात्मक हो जाए बस। तो ये -5 हो जाएगा और ये +11 हो जाएगा, ये हो गया आपका हर धनात्मक। हर मतलब ये नीचे वाला ना, देखिए पॉजिटिव हो गया ना, समझ रहे ना। दूसरा देखिए, ये 8/-3 है, इसमें भी -1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये -8/3 हो जाएगा +3, ये देखिए हर धनात्मक हो गया। इसमें करेंगे तो 7/-2, इसमें भी -1 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये -7/2 हो गया, देखिए पॉजिटिव हो गया।
इसमें कुछ भी नहीं करना, ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, दोनों हम माइनस हटा के 9/4 कर सकते हैं, ठीक ना। ये भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया। याद रखें प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से आपकी जीरो लेवल की क्लास होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रात्रि की आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 10 बजे से डीएलएड की क्लास होती है, सुबह 9 बजे से आपकी सुपर टेट की क्लास होती है, 8:15 से करंट अफेयर होता है, बाकी की आपकी और भी क्लासें जो भी होती है डिस्क्रिप्शन में आपको शेड्यूल अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम, आप शेड्यूल देखते रहें। पीवीआर स्टडी को अनअकैडमी और यूट्यूब पर लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में, ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। इसी क्रम में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। याद रखिएगा ये आप लोग कंपटीशन में सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, ये गौर से देखिएगा। चलें देखिए, ये सभी सवाल है हमारे, ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा है, चौथा है। तो पहला सवाल है हमारा 15/25, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। इसको समझाने से कम मजा आएगा, हम ये सवाल समझा देते हैं आपको। 72/42 है, ये समझाने में ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा इसको समझाने में। तो देखिए मजा कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा, जादू सिखाते हैं आपको। इसको अगर हम 2 से काटें तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, ये हमारा आ गया 21/36। अभी इसको हम काटें, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये देखिए आया 7/12, है ना। इतना खिचड़ी पकाने के बाद तो यहाँ 7/12 आया, क्या ये तरीका सही था? बिल्कुल नहीं सही था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि हमें एक बार काटा हमने तो दोबारा फिर काटना पड़ा ना। इसको हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, 42/72 एक बार में कट जाए, तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना होगा, ये 42 और 72 का HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 6 आएगा हमारे समझ से, है ना। बड़ी से बड़ी वही संख्या होगी 6 जिससे दोनों कट जाए, बाकी तो किसी नहीं कटेगा, है ना, 6 आएगा ना। तो आप उसी HCF से काटेंगे, तो HCF से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 7 = 42 और 6 × 6 = 12, मतलब कि ये 7/12 आप देखें तो एक बार में आ गया। ये नीचे देखिए 3-4 बार पकाने के बाद आया था इतना, है ना। ऊपर देखिए एक बार में आ गया ना 7/12, क्लियर है ना। आगे बढ़े तो अब आप लोग समझ गए होंगे, देखिए काटने का तरीका तो कई है लेकिन आप लोग अपनाएंगे कौन सा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और परीक्षा में बैठते तो लाखों हैं, निकलते तो कुछ ही लोग हैं ना। तो बस याद रखिएगा, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है। तो आपको पगचिन्हों पर नहीं चलना है, पगचिन्ह बना के जाना है। अगला सवाल देखिएगा, इसको काट दें अगर हम तो 5 से काटेंगे 5×5 = 25, ये 5×5 = 25 यानी कि 5 × 3 = 15, ये 3/5 आ गया। अगला सवाल इसको देखिएगा, 30 और 18 का HCF निकालेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये 15 आएगा और ये आएगा 9, फिर 3 से काटेंगे 5 और ये आएगा 9, इस तरह से 5/3 2-3 बार बुझाने के बाद आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे, एक बार में काटेंगे। और वो क्या करेंगे, 30 और 18 का HCF निकालेंगे तो आएगा 6, 6×5 = 30, 6×3 = 18, ये 5/3। 42 और 72 का HCF आप जानते हैं, 6 आएगा तो 6 × 7 = 42, 12 × 6 = 72, 7/12। कुल मिला के बाद में ना कटे जो भी आए, बस इतना जान लीजिए 12 और 72, अब ये 7 और 12 कटेगा नहीं, इसमें 1 0 से 1 0 काट दे, सिंपल सी बात है, 3/8 आ जाएगा। अगर आप HCF की बात करें तो 10 आएगा, है ना, 10 × 3 = 80। तो ये सवाल भी इस तरह से हो चुका है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे निसंकोच हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पढ़ाई से संबंधित और भी समस्याओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं pvrstudy.com, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
pprstudy@gmail.com। करंट अफेयर, जीके, जीएस, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए विजिट करें vidyacc.com। आपको सारे मटेरियल मिलेंगे पढ़ाई से संबंधित। तो इसी क्रम में आपको एक आध सवाल और दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ अगला सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। इसमें कह रहा है कि कौन जो है वो समान है, कौन एक समान है। 15/45, 16/32, 17/51, 21/63 और 108/12 और 27/3। मतलब कि ये जो दो भिन्न दी गई है ना, ये एक समान है, एक समान है या फिर ये एक समान है, कौन कौन है जो एक समान है। तो अगर कोई मुखौटा लगाया है अपने सिर में, तो उसके दिल में कपट है या फिर दयालुता है, मित्रता है, क्या है, कैसे जानेंगे आप, जब तक उसका रियल में चेहरा ना देख लें, है ना। तो पहले उसका रियल चेहरा खोलेंगे, देखेंगे कैसा है। तो इसका रियल चेहरा देखने के लिए इसको हम काटेंगे, 15 × 15, 15 × 3, 45, 1/3 व ये भी कट जाएगा 1/2। क्या 1/3, 1/2 बराबर है? नहीं ना, इसलिए ये समान नहीं है। 17 × 17, 17 × 3, 51, 1/3 आया वह 21 × 21, 21 × 3, 3 × 3, 3 × 6 क्या आया 3। देखिए 1/3, 1/3 दोनों आया ना, इसका मतलब क्या था, ये एक समान था दोनों, है ना। 12 × 9 = 108, 12 × 12, 3 × 9 = 27। ये देखिए 9 = 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या था, एक समान था। समझ गए ना, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन एक समान है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई सवाल है तो आप निसंकोच उसे पूछ सकते हैं, और जो भी बातें हैं आप शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, आपकी अगली क्लास के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँगा। रेगुलर क्लास को ज्वाइन करने के लिए, हर दिन क्लास को पाने के लिए, आप लोग PBR स्टडी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको गणित सिखाने की हम पूरे के पूरे 2-4 दफ नहीं, 100% गारंटी लेते हैं। आपको गणित नहीं आता ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गणित आपको आएगा, ये हम आपको सिखाएंगे। ये नंबर आप नोट कर लें, इन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए। अगर आपका फोन कॉल नहीं उठता है तो आपको रिटर्न कॉल किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको गणित सिखाने की हम पूरे 100% गारंटी लेते हैं। ये नीचे का नंबर आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी है, फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों चलते चलते आपको बता दें, अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया बाबू, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के ऊपर जस्ट यानी वीडियो के नीचे जहाँ PBR स्टडी का लोगो लगा है, उसके ऊपर आपको लाइक का बटन बना है, उस पर दबा के लाइक कर लें। नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हाथी हमारे साथ में बने रह सकें और PBR स्टडी के उन 50,000 फैमिली में आप भी शामिल हो सकें। आज की क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से आपके सामने होऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6:45 से इंग्लिश की क्लास देखना ना भूलिएगा। एक बात याद रहे, मंडे टू फ्राइडे सभी क्लास होती है, सैटरडे और संडे आपका रिवीजन होता है और बहुत से महत्वपूर्ण मैनेजमेंट के काम किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप PBR स्टडी में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप नेशनल हाईवे नंबर 72/2 बनारस रोड भापा मऊ इलाहाबाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप PBR स्टडी में सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू आप सभी को, फिर से अगली क्लास देखिएगा 6:45 से, फिर 7:30 से, फिर 8:15 से, उसके बाद अगली क्लास आपकी 9 बजे से, इसी तरह से क्रम से आप सभी क्लास देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू, क्लास को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा।